शर्लिन चोपड़ा अपने लेटेस्ट बयानों की वजह से बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने सुर्खी नहीं राखी सावंत का क्रोध भी बटोर लिया है। आखिर राखी सावंत के बारे में शर्लिन ने ऐसा क्या कह दिया और शर्लिन को राखी सावंत ने क्या जवाब दिया है, आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारी खबरें ऐसे ही लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी। बता दूं आपको कि शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर यह आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा अपनी वाइफ शिल्पा शेट्टी का नाम यूज करके उनसे न्यूड सीन्स करवाया करते थे, सेमी न्यूड सीन्स करवाया करते थे, और कहते थे कि शिल्पा शेट्टी को उनका काम बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही उन्होंने राखी सावंत को बेवकूफ लड़की कहा है और कहा है जब कुछ पता ना हो मैटर के बारे में तो मुंह बंद रखा करें, इस तरीके से दूसरों के मैटर में बीच में नहीं पड़ा करें। जिसके बाद राखी को आ गई है गुस्सा और शुरू से राखी सावंत जो है कहीं ना कहीं राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट कर रही है, वो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को ही इस पूरे मैटर में सही मानती है। तो उन्होंने तो शुरू से एक स्टैंड रखा है कि राज और शिल्पा सही है और धीरे धीरे जब कोर्ट का फैसला सामने आएगा तो वो भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब जो है राखी सावंत को इस बात का गुस्सा आया है कि इस मैटर में शर्लिन चोपड़ा ने उन्हें बेवकूफ बोल दिया है और कह दिया है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद एक पेपराजी के सेशन में आज राखी सावंत ने कहा कि शर्लिन चोपड़ा जानती क्या है खुद को, उन्होंने अपनी न्यूड फिल्म्स करके कामसूत्रा करके पैसा कमाना समझा सही, और वहीं मैं डांस करके मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ तो वो मुझे बेवकूफ़ बुला रही हैं। क्यों उन्होंने न बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने की कोशिश की, ना मॉडलिंग करने की कोशिश की, ना या फिर डांस करने की कोशिश की या कोई और बिजनेस में काम करने की कोशिश की, क्यों उन्होंने न्यूड जाने का एक आसान रास्ता चुना और वो भी एक इलीगल रास्ता। न्यूड हो जाना इंडिया में बैन है, वहीं न्यूड फिल्म्स में काम करना भी इंडिया में बैन है, तो आखिर क्यों शर्लिन चोपड़ा ने ये रास्ते चुने पैसे कमाने के लिए। शर्लिन कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो उन्हें कोई खींच कर लेकर आया और वो न्यूड हो गई। ये सारी चीज़ें राखी सावंत ने बोली है राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा के पूरे मैटर में। बता दें पूनम पांडे भी राज कुंद्रा को अक्यूज कर चुकी हैं इस पूरे मैटर में, वहीं शर्लिन चोपड़ा भी लगातार राज पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन अभी तक ये मैटर सब्जुडाइज है तो इस पर कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा। हालांकि फिर भी आप लोगों को क्या लगता है, शर्लिन चोपड़ा की आरोप सही हैं या नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जैसा मैंने कहा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।